हम लोग जाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड में खड़ा रहते हैं, इंडियन जो आते हैं वो सीधा अपना निकल जाते हैं, पासपोर्ट स्पंज करके वो सीधा निकल जाते हैं। हमारे को वहाँ लैंड में खड़ा करके एक एक चीज़ चेक करते हैं कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ चेक करके उसके बाद हमें बाहर निकालते हैं। हमारा को 2 घंटे लगते हैं, इंडियन को 10 मिनट लगते हैं। मुंह बच गया था जहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो लोगो बनना बाकी रह गया था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुंह के अलावा जो बस उनकी हाफ स्लीव्स थी ना, जो बाजू थे सिर्फ वो रह गए, इसके अलावा कोई ऐसा लोगो नहीं है जो हम पीसीबी को प्रमोट कर रहे हो, जो पैसे दे रहे और हमने ना किया हो। ठीक यूनिवर्सिटी आई टी डिग्री कराती है 40 लाख 50 लाख 30 लाख, और वो 30 लाख जो लगाता है स्टूडेंट, 40 लाख लगाता है, वो भी लगाने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती। मैं खुद डेवलपर हूँ, मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी मैंने मुझे याद है मैंने डिग्री की थी, मेरी तब 12 लाख की डिग्री थी, और 12 लाख लगा के मैं 15,000 की नौकरी पे लगा। हमारा बच्चे आ रहे जा रहे, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के बात कर लो ना, तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है उसको। इंडिया के अनपढ़ बच्चा होगा, उसके साथ आप बैठ के बात कर लो, वो हमसे 100 गुना आगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद नाज़िम। कल इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था तो हर एक की नज़रें बैटिंग और बॉलिंग पर थी, पर मेरी नज़र इंडिया और पाकिस्तान की किट पर थी, और मैं ये सोच रही थी कि दोनों मुल्कों की प्रायोरिटीज़ कितनी मुख्तलिफ हैं, दोनों मुल्कों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इसी वजह से इंडिया बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की किट में ऐसी क्या बात थी। अगर आपने गौर किया हो तो इंडिया की किट के ऊपर लिखा हुआ था BYJUS, जो कि इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहा था। वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल कंपनी है जो 100 से ज़ायद मुल्कों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, और इससे 150 मिलियन प्लस स्टूडेंट फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट की, तो उसके ऊपर जो स्पॉन्सर था, जिसका लोगो बना हुआ था, वो था पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आकिब मारूफ। जाकिर रहमान। अहमद फराज। फैज रसूल। अहमद, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा? जी बिल्कुल देखा था हमने, जिस तरह पाकिस्तान मैच हार रहा है सारा कुछ देखा था हमने, उम्मीदें तो बड़ी लगा ली थी लेकिन एट द एंड फिर हम लोग हार गए। क्या आपने इंडिया और पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग लाइन के अलावा उनकी किट्स पे फोकस किया? जी बिल्कुल, किट्स पे भी फोकस किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की किट के ऊपर पार्कव्यू सिटी की उन्होंने बताया हुआ था, इसके अलावा TCL का बताया हुआ था। लाइक उनकी कोई किट के ऊपर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर वो ऐसा मोनोग्राम ना लिखें जो उनको कंपनीज उनको प्रोवाइड कर रही हैं, जिनसे उनको PCB को पैसा आ रहा है। और इंस्टेड ऑफ अगर आप इंडिया के देखें तो उसके ऊपर कंपनीज के ऊपर उनकी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट था BYJUS, वो एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो 100+ कंट्रीज़ में एजुकेशन को कर रहे हैं, लाइक जिधर भी हैं एजुकेशन के हवाले से वो काम कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, हम बस वहाँ को सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ से हमें पैसा आ रहा है, लाइक पार्कव्यू सिटी हो गया, TCL हो गया, पेप्सी हो गया, कोक, इस तरह के मोनोग्राम्स प्रिंट होते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया अगर आज तरक्की की इस जिस बुलंदियों पर है, इंडिया वो डिजर्व करता है, इसीलिए इंडिया बहुत आगे है और हम शायद बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपना एजुकेशन लेवल जो है वो कभी ठीक ही नहीं कर पाए। इंडिया ने कल अपने मैच के दौरान अपने किट के जरिए साबित कर दिया कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। जी मैम, ऑब्वियस बात है, इंसान वही करता है जो उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब देखिए जो पाकिस्तान की प्रायोरिटी थी, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम TCL को कर रहे हैं, हम कोक को कर रहे हैं, हम पेप्सी को कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि उनमें उधर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में थी, लेकिन हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, बिल्कुल फजूल किस्म का हो गया है। इवन के कुछ ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनकी दीवारें तक नहीं है, और मोस्टली देख लें कि जो भी हम लोग हैं, मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे कल को एक सरकारी स्कूल में जाएं, क्योंकि मुझे उसका एनवायरनमेंट पता है। और उनकी प्रायोरिटीज़ देख लें, वो आप अभी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ड्यू टू क्रिकेट के जरिए से, क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट पूरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में देखी जाएगी, और उनके भी हर घर में TV होता है, क्रिकेट सब देखते हैं, तो वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर हम पाकिस्तान की किट की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किट के ऊपर कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो है वो टैटू या टाइटल ना हो। इससे मेरा ख्याल है क्रिकेटर्स का मुंह बच गया था जहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो लोगो बनना बाकी रह गया। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुंह के अलावा जो बस उनकी हाफ स्लीव्स थी ना, जो बाजू थे सिर्फ वो रह गए, इसके अलावा कोई ऐसा लोगो नहीं है जो हम PCB को प्रमोट कर रहे हो, जो पैसे दे रहे हो और हमने ना किया हो। अब मैम बात सिर्फ और सिर्फ है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी प्रायोरिटी है उनकी एजुकेशन, और हमारी प्रायोरिटीज़ वो हमने पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनकी टी शर्ट्स के ऊपर हमने देख लिया था। इसका मतलब है कि अगर इंडिया आज इस मुकाम पर है वो ये डिजर्व कर।
जी वो दैट से डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना प्रमोट करेंगे कल को वो आपको उतना मिलेगी। अगर वो आपको आज एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो कल को वो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। आपको पता है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एजुकेशन सेक्टर पर लगाया जाता है, हमारे एजुकेशन के सिस्टम पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, वहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है, आप उससे बाखूबी वाकिफ होंगे। जी मैम बिल्कुल, ये सिर्फ ना डॉक्यूमेंट्स में दिखाया जाता है कि हमने इस स्कूल पे इतने लगा दिए, स्कूल पे इतने लगा दिए। अगर आपका कभी चक्कर लगे किसी गांव में तो आप देखिए, जाके देखें कि इवन जो सरकारी स्कूल है उसमें बैठने के लिए बच्चों के चेयर्स भी नहीं अवेलेबल होती। जो टीचर्स हैं वो भी लाइक चार पाइयों पर बैठ रहे होते हैं, वो जाके वो डिलीवर कर रहे होते हैं। और कहने को हमारा एक बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा है जो हम अपने एजुकेशन सेक्टर में लगाते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता कहाँ लग रहा है। जाकिर रहमान, इंडिया और पाकिस्तान की किट्स देखी आपने, उनके टीम्स की? हाँ जी, मैं खुद इमारत में रहता हूँ दुबई में, उनकी मुलाजिमत करो उनके पास, उनके मुलाजिमों में उनके बंदों में हमारा ज़मीन आसमान के फ़र्क है। एक तो उन लोगों में अखलाक बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। एक दूसरा उनका डिप्टी टाइमिंग है, हमारा जो पाकिस्तानी है वहाँ उनके पास ना टाइमिंग का कोई हिसाब किताब है, ना कुछ है ना कुछ है, बस बंदों को जलील कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हम जलील हो रहे हैं, इस तरह वहाँ भी हो रहे हैं। उन लोगों का जो तौर तरीका है वो हमसे बहुत आगे है। लोग बोले इंडिया आगे निकल गया, तो वो इस बात पे आगे निकल गया कि उनके पास सब कुछ है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, करप्शन वहाँ नहीं है। यहाँ तो एक से एक जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना अपना जेब पहला भर रहे हैं, उसके बाद आवाम का सोच रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, लेकिन जो आवाम को मिल जाता है थोड़ा बहुत उस पर गुजारा कर लेते हैं बस। तो इंडिया हमसे जो आगे निकले इसी बात पे निकले। आप गैर मुल्की का चक्कर लगाओ, वो आप देख लो उनका क्या रोड तरीका है और हमारा क्या है। अगर हम बात करें तो दूसरे मुल्कों में इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत मिलती है? बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा। हम लोग जाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे, लैंड में खड़ा रहते हैं, इंडियन जो आते हैं वो सीधा अपना निकल जाते हैं, पासपोर्ट पंच करके वो सीधा निकल जाते हैं। हमारा वहाँ लैंड में खड़ा करके एक एक चीज़ चेक करते हैं कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ चेक करके उसके बाद हमें बाहर निकालते हैं। हमारा को 2 घंटे लगते हैं, इंडियन को 10 मिनट लगते हैं। क्या वजह इतनी इज्जत इंडियन की और पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं? इज्जत पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो है ना इस बात पे जोर दिए जा रहे हैं कि ये लोग ज्यादा चोर है। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानी जो है वो चोर है, हर लिहाज से हम लोग करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सतह पे हो या बड़ी सतह पे हो, हर लिहाज पे हम लोग जो है ना करप्शन कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये लोग आ रहे हैं तो किसी ना किसी बड़ा अफसर के साथ मिले होंगे, कुछ ना कुछ लाया होगा, इसलिए हमारा एक एक चीज़ जो वो चेक करते हैं, जेबी हमारा चेक करते हैं। हालांकि वहाँ कानून इमारत में ये है कि आपके जेब में हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन आपको बोलते हैं कि भाई जो है वो निकाल दो। उसके बाद अगर शक उनको पड़ गया और जाके अंदर स्कैन करवा के पूरा सब कुछ आपका करके उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिसमें बीच में इमरान खान आया था थोड़ा सा हमारे को रिलीफ मिली थी, रोड पे भी हमारा वो इज्जत कर रहे थे सब कुछ। जिस दिन से वो गया दोबारा वही हाल शुरू हो गया जो पुराना था। आपने इंडिया और पाकिस्तान के किड्स देखी, किस तरह वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो लोग जो है एक एक चीज़, आप इमारत के किसी भी जो शॉप पे जाओ हर दुकान पे हर चीज़ पे उनका सामान पड़ा होगा। हमारा सिर्फ इंडिया का हमारा सिर्फ पाकिस्तान से आम आते हैं, वो भी उधर सुपर मार्केट में ऐसा पड़ा रहते हैं जैसे किसी ने कचरे में फेंक दिया, कोई उसका वो डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। उनका मिर्ची से लेके इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक में एक एक चीज़ का जो है ना उनको सुपर मार्केट में सब कुछ उनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, वो उसको सही तरीके से सजा के वो रखते हैं। हमारा जो है कुछ भी वैल्यू नहीं है किसी। इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो बहुत ज़्यादा आगे है हमसे जो है ना, बहुत ज़्यादा आगे। हमारे पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर हम पाकिस्तानी कंपनी में मुलाजिमत कर रहे हैं, अभी मैं पाकिस्तानी के पास हूँ, तो वहाँ भी यही हालत है कि कोई तौर तरीका नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है बस। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हमारा बच्चे दो ये जो है ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी अकेडमी में है। इसका जो अभी जो लड़का खेल रहे हैं ना कप्तान, उसके अकेडमी में है, तो ये अभी क्रिकेट सीख रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे निकाल ले। दूसरा बच्चा जो हाफिज कुरान है, 5वें दर्जे में पढ़ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह आलिम बनाएंगे। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? 100 के 100 नहीं है डिस्पाइट, बिल्कुल जो है ना निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, 100 के 100। हमारे बच्चे आ रहे जा रहे, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के बात कर लो ना तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है उसको। इंडिया के अनपढ़ बच्चा होगा उसके साथ आप बैठ के बात कर लो, वो हमसे 100 गुना आगे है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से इंडिया इतनी तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए? इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया इस बात पे कि उनके पास जो है ना सब कुछ सहूलत मौजूद है, वो अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सफारतखाने आप जाओ इमारात में, वहाँ आप जाके उनका तौर तरीका देखो, उनके साथ उठना बैठना देखो, फिर हमारे सफारतखाने में जाओ। हमारे सफारतखाने में अंदर ऐसा निज़ाम चला रहे जैसे भीड़ बकरियों के साथ निज़ाम चला रहे। उनके बाकायदा AC लगे हुए है, सब कुछ लगे हुए। हमारे सफारतखाने में जो अफसर है उनके पास अंदर AC लगे हुए, बार बंदे जो है ना पंखे के नीचे बैठे हुए जैसे पाकिस्तान में बैठते हैं। उनके जैसे आप गेट से अंदर एंटर होंगे वहाँ फुल AC है। उनके बंदे लैंड में बैठ के उनके बंदे आके पूछे भाई आपको क्या मुश्किल है, वो हम हल करें। हम लोग अफसर के पास जाते हैं, वो कह रहे बाहर निकलो। आके इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा? जी बिल्कुल देखा। कैसा लगा मैच? मैच तो बहुत अच्छा था, टफ टाइम दिया पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी दिया है, नो डाउट। हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है, हारे हैं वो नो इशू, उसका कोई मसला नहीं है, बट
देखा जाए तो मैच फाइट करना ज़रूरी होता है, हार जीत तो मुकद्दर की बात है, कौन हारता है कौन जीतता है ये बात की बात है। एक फ़ाइट जो होती है वो आपने देनी होती है, अपना 100% देना होता है। हमारी टीम ने ज़्यादा दिया लेकिन नहीं मिला उनको, सक्सेस नहीं हुई, उसका कोई इशू नहीं। बट जो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ने लैग किया है, कोई कमी थी जिसकी वजह से हारे हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसको कवर किया जाएगा और बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने इंडिया और पाकिस्तान की किट्स पे थोड़ा फोकस किया? किट्स पे फोकस नहीं किया, हमने मैच पे फोकस किया ज्यादा। पाकिस्तान के और इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को अगर आप कंपैरिजन करें तो आप किन अल्फाज में करना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जो पाकिस्तान का जो पूरी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है ना, इंडिया के एक सिटी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को इतना फोकस करते हैं कि उन्होंने अपने छोटे से छोटे बच्चे को फंड करते हैं। वो उन्होंने ये नहीं देखना कि वो अमीर है गरीब है छोटे तबके से है या ये किसी MNA का बेटा है MPA का बेटा है, वो अपने हर स्टूडेंट को फंड करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। उनको पता है कि हमारा एक बच्चा पढ़ेगा हमारा नेक्स्ट फ्यूचर सिक्योर होगा। हाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस देखा जाता है अच्छा ये MNA का बेटा है MPA का बेटा है इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, जो गरीब का बेटा है वो गरीब ही रहेगा, वो पुराने स्कूल में पढ़ेगा किसी भी टाटों में बैठ के पढ़ेगा। हमारा और क्या सिनेरियो है, देख जो गरीब है उनको देख रहे हैं, उनके गांव हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, जो बनता भी है तो वो उसमें क्या होता है को स्टूडेंट्स आते हैं थोड़े से कहीं से, और टीचर जो हैं वो भी मर्जी से आते हैं और पढ़ाते हैं, बस दिल किया तो कुछ पढ़ा दिया कुछ दिखा। बात की बच्चों की, तो अगर हम अपने और उनके बच्चों का ही कंपैरिजन कर लें तो उनके बच्चों की अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वो फर इंग्लिश बोलते हैं, उनके कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लो और हमारे बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आप सरकारी स्कूल के बच्चों की बात करें तो इंग्लिश तो दूर की बात, उन्हें उर्दू ठीक से नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम अपने बच्चों को सिर्फ बचपन से ही खेलना कूदना और ये चीज़ें सिखाते हैं, उन्हें ये नहीं सिखाते कि बेटा ये बुक है इसमें इंग्लिश है ये उर्दू की बुक है इसको पढ़ो अपना, उनको लहजा नहीं सिखाते, बोलने की तमीज़ नहीं सिखाते ना उनको। वो तमीज़ कब सीखते हैं, जब वो स्कूल हम कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा स्कूल में दाखिल होगा तो सीखेगा, भाई दाखिल होगा तो सीखेगा कैसे, ये तो स्टेप तो मेन आप खुद लेते हो ना, खुद आप कदम लोगे तो स्कूल कुछ सिखाएगा, जब आप ही कुछ नहीं करोगे स्कूल कितना सिखा लेगा। अब आप देखें कि इंडिया में अगर हम बात करें तो IT सेक्टर ही देख लें कि कितने सारे हैं, वो IT में हमसे कितना आगे हैं, और पाकिस्तान में क्या है, IT का कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स निकलते हैं वो पाकिस्तान में नौकरियाँ करने के बजाय बाहर के मुल्क चले जाते हैं कि यहाँ पर अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सॉफ्टवेयर हाउस तो दूर की बात है, यहाँ पे आप IT करके जो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे ख्याल से आजकल IT देखी जाए तो अच्छी यूनिवर्सिटी IT डिग्री कराती है 40 लाख 50 लाख 30 लाख, और वो 30 लाख जो लगाता है स्टूडेंट 40 लाख लगाता है वो भी लगाने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती। मैं खुद डेवलपर हूँ, मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी मैंने मुझे याद है मैंने डिग्री की थी मेरी तब 12 लाख की डिग्री थी, और 12 लाख लगा के मैं 15,000 की नौकरी पे लगा था। 12 लाख लगा के 15,000 की नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा था, अब तो 50,000 पे हूँ मैं, तो मतलब 50 से राउंड अबाउट इससे ऊपर ही है, लेकिन आजकल को जो महंगाई चल रही है जो खर्चे चल रहे हैं मैं तो कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं, मतलब पाकिस्तान में तो अब मेरा ख्याल है किसी भी सेक्टर का कोई भी हाल नहीं रहा। बिल्कुल सब डेड हो चुका है इस टाइम, और आप इधर से लगा लेंगे, पहले जब हमारा होता था तो हमारी IT पे टैक्स अब इतना लग गया है कि कोई चीज़ आती नहीं है। हमारे मुल्क में फ्रॉड भी इतना ज़्यादा हो गया है कि एक नई चीज़ पे पाक आ रही थी उसमें भी क्या फ्रॉड हुआ है कि अवाम ने प्रोजेक्ट देना स्टार्ट किए थे थोड़े से, तो प्रोजेक्ट्स आते थे वो काम करवा के अंग्रेजों से अपने फंड्स रिफंड कर लेते थे। क्या अमेज़न बंद हो गया? अमेज़न बंद हो गया, आप देख लें एयरलिफ्ट इतनी अच्छी सर्विस उन्होंने चलाई थी वो बंद हो गई है। हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ आने नहीं देते, माफिया इतना बैठा हुआ ऊपर, आप कोई नई चीज़ आती है पहले वो कहते हैं कि भाई नहीं हम चल रहे हैं हम ही चलेंगे और कोई नई चीज़ नहीं आएगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें कोई नई चीज़ नहीं आती, आज हमारे सेक्रेटरीट के 2 ऑफिस हैं, एक पुराना ऑफिस है एक नया ऑफिस है, नया ऑफिस आपका कंप्यूटर वाइज है फुल टेक्नोलॉजी पे है, पुराना ऑफिस वही लोग पेपर बेस है उसमें कोई, क्योंकि क्या है वहाँ पे पुराने लोग बाबे बैठे हैं उनका यही देना है कि भाई हमारा काम रुक जाएगा कंप्यूटर आगे हमें चलाना नहीं आता। फिर हम कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकला, इंडिया तरक्की कर गया और हमने तरक्की क्यों नहीं की? भाई यही वजह है कि हमने तरक्की क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल 0 है। आप यहाँ मार्केट में देख लें कि कितने बच्चे हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 500 से 600 बच्चे आपको मार्केट में भीख मांगता हुआ नजर आएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने की इनकी उम्रें हैं, इनके स्कूल जाने की उम्रें हैं, और ये लोग यहाँ पे ये कुछ बच्चे मेरे पास इधर अभी फिर रहे हैं जो मांग रहे हैं पैसे मांग रहे हैं। आपने कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? जी जी। आपने किट्स देखी इंडिया और पाकिस्तान की?
जी मैंने देखी है और मैंने सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी हवा भी सुनी है कि जी हमारा जो स्पॉन्सर्स था वो कोई लैंड समथिंग रिलेटेड पार्क व्यू सोसाइटी थी और इंडियन जो स्पॉन्सर्स थे वो कुछ आईटी रिलेटेड या इस तरह के। तो अब ये सोशल मीडिया पे बहुत बहस चल रही है जी कि हमारा निज़ाम और उनका निज़ाम और ये, और मेरे ख्याल से कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। हम एक मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। येस वॉट वी नीड टू डू कि हमें यहाँ से इससे सीखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में भी ऐसी कंपनीज बनानी चाहिए या ऐसा बिज़नेस को फ़रोग देना चाहिए कि जो कि आईटी रिलेटेड हो या जो टुवर्ड्स मतलब आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता हो बेसिकली, कि क्योंकि नाउ ऑनवर्ड्स इट इज़ 2022, वी डोंट नो कि डाउन लाइक 2030 तक 8 साल में दुनिया किस हद तक तब्दील हो जाएगी, और जो कि हो जाएगी एज़ मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशली इंटेलिजेंस पे यू नो इक्विप हो जाएंगी, उस पर काम करेंगी, तो दुनिया की शक्ल बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक बदलने वाली है। सो दिस इज़ दी हाई टाइम कि हम बजाय के कंपैरिजन करें अपनी नेशन और उनकी नेशन और अपने स्पॉन्सर्स और उनके स्पॉन्सर्स को, बजाय के नेगेटिवली हम उसको डिस्कस करें या उसको एग्रीवेट करें उस पॉइंट को, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। अब अगर इंडिया में फर्म्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी फर्म्स हैं, आईटी में बहुत आगे है वो हमसे ऑफकोर्स, अगर वो है तो वो दुनिया को किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर गूगल का जो सीईओ है ही इज़ एन इंडियन, राइट? सो वी नीड टू थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हम छोटी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय एक बड़ी पिक्चर पे फोकस करें कि हमने अपने लिए और फिर खुद के बाद पूरी दुनिया के लिए हमने क्या चीज़ करनी है कि जिससे बेहतरी आए एज अ होल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा भी यही मानना है कि कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ की अवाम एजुकेट ना हो। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ पे एजुकेशन का होना, तालीम का होना बहुत ज़्यादा अहम है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना सिर्फ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए इकदाम करे बल्कि उन पर अमल भी करे। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।